देखें ग्रामीण न्यूज YouTube पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रेलवे ने आखिरकार ट्रेन के देरी से चलने की समस्या पर गौर किया और उसका हल निकालने के लिए एक उपाय भी ढूंढ निकाला है। अब रेलवे ने प्लेटफॉर्म पर लगी स्क्रीनों पर वीडियो संदेश दिखाने का फैसला किया है। इन वीडियो के माध्यम से रेलवे ट्रेन के लेट हो जाने की जानकारी दी जाएगी, साथ ही ट्रेन के लेट होने के कारण को भी बताया जाएगा। इतना ही नहीं, इन वीडियो के जरिए रेलवे यात्रियों से सहयोग की अपील भी की जाएगी। रेलवे के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लगे इन स्क्रीनों पर कम से कम एक मिनट का वीडियो प्रसारित किया जाएगा और किसी भी कारण अगर ट्रेन लेट हो जाती है तो ऐसी स्थिति में यात्रियों से धीरज बनाए रखने की विनती भी की जाएगी। हालांकि रेलवे का कहना है कि इस नए काम की शुरुआत इसी हफ्ते से की जाने वाली है। साथ ही रेलवे ने ये उम्मीद भी जताई है कि इससे ट्रेनों के देर से चलने के कारण यात्रियों की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। आपको बता दें कि इस वीडियो में संदेश होगा, कृपया धीरज बनाए रखें, आपका धीरज आपके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। विलम्ब पर खेद जताने के अलावा वीडियो में ये भी कहा जाएगा कि पटरियों को दुरुस्त बनाने के कार्य से भविष्य में आपको यात्रा का बेहतर अनुभव होगा। जानकारी के अनुसार मौजूदा समय में देश की करीब 30% ट्रेनें देरी से चल रही हैं और जिसके चलते 2017-18 में इनका प्रदर्शन और खराब हो गया। साल 2017-18 में 71.39% मेल और एक्सप्रेस समय से चल रही हैं, जबकि इसके पहले ये आंकड़ा 76.59% रहा था। देखिए ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।